फिल्म बाजीगर से। जी, बाजीगर में एक डायलॉग है, उड़ने की बात परिंदे करते हैं टूटे हुए पर नहीं, जस्ट लाइक इट। इसका ये मतलब हुआ, ए बर्ड, अगर हम लिटरली इसकी बात करेंगे तो इसका इंग्लिश होगा ए बर्ड टॉक अबाउट फ्लाइंग नॉट ए ब्रोकन विंग्स, कि एक बर्ड ही उड़ने की बात करती है, ब्रोकन विंग्स नहीं, यानी जिसके टूटे हुए पर हैं वो नहीं होती है। दैट्स इट, ये लिटरली मीनिंग है। लेकिन उसका अगर हम वर्चुअली मीनिंग निकालेंगे, उसका कहने का मतलब ये था कि एक धनी व्यक्ति ही पैसे की बात करता है, पावर की बात करता है। अगर वह व्यक्ति जिसके पास पैसा पावर धन है तो वह आगे बढ़ने की बात करता है, न कि एक कंगाल व्यक्ति जिसके पास पैसे नहीं होते हैं। तो इसका वर्चुअली मीनिंग होगा, एन एफ्लुएंट कैन टॉक अबाउट मनी नॉट ए फ्लैट ब्रोक। हियर फ्लैट ब्रोक का मतलब होता है कंगाल व्यक्ति जिसके पास पैसे नहीं होते हैं, पेनीलेस। आगे हम दूसरी मूवी की बात करेंगे, फिल्म बागी 2 का बहुत ही पॉपुलर डायलॉग है कि योर टॉर्चर इज जस्ट माई वार्म अप। कहने का मतलब ये, तुम जितना मुझे टॉर्चर करोगे उतना ही मैं जोश में आऊँगा, तुम्हारा टॉर्चर करना ही मेरा जोश में आना है। तो इसका वर्चुअली मीनिंग कहने का उसका मतलब ये है कि जितना तुम मुझे मारोगे, जितना तुम मुझे सताओगे, उतना ही मेरा एक्सरसाइज अभ्यास होगा, उतना ही मैं, मेरी स्कूलिंग होगी, मैं सीखूंगा, उससे लर्न होता है मेरा। क्योंकि मैंने जो भी अपनी फिजिकल बॉडी को मेंटेन किया है वो एक्सरसाइज से किया है, और बहुत ही टॉर्चर से, उस टॉर्चर को सह कर मैंने इस बॉडी को अटेन किया है, प्राप्त किया है। तो हो जाएगा योर परसिक्यूशन इज़ माई एक्सरसाइज, यानी तुम्हारा उत्पीड़न करना ही मेरा अभ्यास होगा। दैट्स इट, कहने का मतलब ये। अगली मूवी आती है राजा नटवरलाल से, इमरान हाशमी की मूवी है। इसका एक डायलॉग था कि बचाना वो सीखता है जो ज़्यादा कमाना नहीं जानता, द वन हु लर्न्स हाउ टू सेव इज़ द वन हु डज नॉट नो हाउ टू अर्न मोर। ओके, इसका लिटरली तो ये हो गया। अगर वर्चुअली बात करेंगे तो इसका मतलब हुआ है, अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हैं तो आपको खर्च करने की कोई टेंशन नहीं है, आप खर्चा करते जाइए, आप यूज़ करते जाइए, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है कि बचाने का भी आपको सोचना है, बचता तो रहेगा ही, ऐसा मतलब नहीं है कि आप नहीं बचाओगे, बचाओगे। तो इफ़ यू हैव मनी नो मोर टेंशन टू स्पेंड, तब ये आपको नहीं रहेगा कि हम खर्चा ज़्यादा कर रहे हैं कम कर रहे हैं। आपका पैसे ज़्यादा हैं तो आप कहीं इन्वेस्ट भी कर दोगे और कहीं आप खर्चा भी कर दो, नो प्रॉब्लम। तो इसका मतलब कहने का वो था कि बचाना वही सीखता है तो ज़्यादा कमाना नहीं जानता। बात करेंगे अगले फिल्म की, जन्नत की, इमरान हाशमी की मूवी है। इसमें एक डायलॉग था, जो हारता है वही तो जीतने का मतलब जानता है, द वन हु लॉसेस इज द वन हु नोज द मीनिंग ऑफ विनिंग, यानी जो व्यक्ति हारता है वही तो जीतने का मतलब जानता है। तो इसका वर्चुअली मीनिंग होगा, ए डिसहर्टेंड मैन कैन मेक सेंस ऑफ विनिंग, जो हारा हुआ व्यक्ति होता है, निराशपूर्ण व्यक्ति जो होता है, वही जीतने का असली सेंस, असली मीनिंग वही समझ सकता है कि जीत किसे कहते हैं, क्योंकि उसने जीत को हासिल करने के लिए वो हारा है आज, और वो जीत के सेंस को भलीभांति प्रॉपरली अच्छी तरह से जानता है। फिल्म अगली है वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई, इमरान हाशमी की मूवी है। शेर से हल चलाओगे तो किसान तो मरेगा ही, कहने का मतलब अगर आप, इफ़ यू प्लाउ विद अ टाइगर द फार्मर विल डेफिनेटली डाई, ये लिटरली मीनिंग है, यानी कि हू बहू सेम मीनिंग जो कि हिंदी में बोली गई है। लेकिन अगर वर्चुअली मीनिंग निकालेंगे इसका मतलब ये होगा फ्रेंड्स कि इफ़ यू चांस योर अटैकर ही डेफिनेटली हार्म यू, कि अगर आप अपने दुश्मन को मौका देते हो, दुश्मन को अपने घर में रखे हो, तो चांस है कि वो आप पे हमला करे, आपको नुकसान पहुँचाएगा डेफिनेटली। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए बाय।